आग और धुएं के बादल हवा में ऊपर उठते हैं और रॉकेट लॉन्च होता है। डेल्टा 4 हैवी अब तक के सबसे ताकतवर मानव निर्मित रॉकेट्स में से एक है। इसके तीन विशाल इंजन टनों फ्यूल जलाते हैं, जिससे स्पेसक्राफ्ट को ऊंचाई हासिल करने में मदद मिलती है। इसके दो साइड बूस्टर्स अनडॉक होते हैं और कॉमन बूस्टर कोर को और ऊंचाई यानी एसेंट के लिए छोड़ देते हैं। ऑर्बिट में आ जाने पर रॉकेट अपना पेलोड रिलीज कर देता है। ये है पाकर 16 प्रोब, सूरज को छूने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट, और हम इसके सफर के हर एक चरण को ध्यान से फॉलो करेंगे। इस प्रोब को 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था और तब इसने हमारे तारे यानी सूरज की ओर अपना सफर शुरू किया। सूरज पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी का 390 गुना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक तट से दूसरे तट तक की चौड़ाई का 36,000 गुना है। सूरज से निकले लाइट पार्टिकल्स को इतनी दूरी तय करने में 8 मिनट लगते हैं। हमारे कन्वेंशनल रॉकेट को इस सफर में 200 से ज्यादा दिन लगेंगे, लेकिन पाकर 16 प्रोब ने ग्रेविटेशनल मैनूवर्स का इस्तेमाल करके ये दूरी तेजी से तय कर ली। पृथ्वी से सूरज की ओर जाते हुए इस प्रोब ने हमारे पड़ोसी वीनस यानी शुक्र का चक्कर लगाया। इसे बस इस ग्रह के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसना था और ग्रह ने खुद ही इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। इस पॉइंट पर हमारे स्पेस प्रोब को एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिला और इसे जरा भी ईंधन बर्बाद नहीं करना पड़ा। एक ऑर्बिट पूरा करने के बाद स्पेस प्रोब के इंजिन्स ने ट्रैजेक्टरी को बदल दिया और प्रोब ने वीनस की ऑर्बिट को छोड़ दिया। इससे इसे सूरज तक सफर करने के लिए पर्याप्त एक्सेलरेशन मिल गया और 5 नवंबर 2018 को पाकर 16 प्रोब ने सूरज को अप्रोच करने की पहली कोशिश की। सूरज की सतह को छूने से पहले स्पेसक्राफ्ट को इस स्टार के ऑर्बिट में घुसना था। इसके लिए प्रोब ने और भी कई ग्रेविटेशनल मैनूवर्स किए। इतना सब करने के बाद ही इसने सूरज के चक्कर लगाना शुरू किया, क्योंकि सूरज न केवल हमारे सोलर सिस्टम का सबसे भारी ऑब्जेक्ट है बल्कि इसकी ग्रेविटी भी सबसे ताकतवर है। इससे हमारे प्रोब को हर फ्लाई बाय के साथ भारी मात्रा में एक्सेलरेशन मिला। पाकर 16 प्रोब लगातार दो पॉइंट्स के बीच घूम रहा था, वे थे पेरिहेलियन और एफिलियन। देखिए, यहाँ है सूरज और यह है एलिप्स के आकार में प्रोब का ऑर्बिट। सूरज से सबसे नजदीक पॉइंट पेरिहेलियन है। वहाँ पर सूरज प्रोब को हैरतअंगेज रफ्तार से खींच रहा था। इस पॉइंट पर प्रोब स्टार से दूर जाने लगा। इसमें अभी भी बहुत रफ्तार और एनर्जी थी, लेकिन यह स्टार के ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए यह धीरे धीरे धीमा हो गया। जिस पॉइंट पर प्रोब ने अपना सारा एक्सेलरेशन खो दिया, उसे एफिलियन कहा जाता है। स्टार की ग्रेविटी जीत गई और प्रोब फिर से रफ्तार पकड़ते हुए सूरज की तरफ वापस जाने लगा। प्रोब ने एक स्टेबल ऑर्बिट को फॉलो करते हुए कई चक्कर लगाए, लेकिन फिर इसके ऑर्बिट ने वीनस के ऑर्बिट के साथ दोबारा इंटरसेक्ट किया, एक और ग्रेविटेशनल मैनूवर। इसके बाद पाकर 16 प्रोब की ट्रेजेक्टरी थोड़ी बदल गई और इसने और रफ्तार हासिल कर ली। इसके ऑर्बिट का पेरिहेलियन पॉइंट अब सूरज के और करीब था। प्रोब ने इस नए ऑर्बिट पर कई और चक्कर लगाए, फिर यह दोबारा वीनस के नजदीक पहुंचा सूरज को अप्रोच करने की एक और कोशिश। वीनस के साथ हर एक एनकाउंटर ने प्रोब की ट्रेजेक्टरी को सुधारा और धीरे धीरे हमारे स्टार से इसकी दूरी कम कर दी। अप्रैल 2021 में पाकर 16 प्रोब आखिरकार सूरज के इतना करीब आ गया कि इसने सूरज के कोरोना को छू लिया। हालांकि प्रोब और सूरज के बीच की वास्तविक दूरी 85,00,000 किलोमीटर थी, फिर भी इसे एक टच माना जाएगा। आइए अपने स्टार को बीच से काट कर इसकी संरचना देखते हैं। यह सूरज का कोर है। यह इसकी चौड़ाई का लगभग 1/4 है। इस कोर का घनत्व यानी डेंसिटी पानी से 150 गुना ज्यादा है। तेज दबाव और ऊंचे तापमान की वजह से यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, जिससे काफी मात्रा में गर्मी और रेडिएशंस निकलते हैं। अगली परत है रेडिएशन जोन। यह वो जगह है जहाँ पर गर्मी कोर से अगली परतों में ट्रांसफर होती है, लेकिन यहाँ के फोटोन बाहरी दिशा में नहीं चलते हैं। वे कहीं भी डायरेक्ट हो सकते हैं और कई बार रीरेडिएट हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक लाइट के फोटोन को कोर से सूरज की अगली परत तक जाने में औसतन लगभग 10,000 से
170,000 वर्षों तक का समय लग सकता है। फिर आता है कन्वेक्शन जोन। इसे सूरज की सतह माना जाता है, लेकिन यह एक ठोस सतह नहीं है। यह गर्म प्लाज्मा का एक सागर है। यह मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्म प्लाज्मा निचली परतों से ऊपर उठता है, जिससे कुछ मिनी गीजर्स जैसा बनता है। और हालांकि इन गीजर्स के बीच में गर्मी होती है, लेकिन इनके किनारे कूल डाउन हो जाते हैं, जिससे सूरज की सतह पर एक अद्भुत पैटर्न बनता है। अगली परतें सूरज का एटमॉस्फेयर है। सबसे पहले फोटोस्फेयर, यह वो परत है जो रोशनी देती है, और जब आप सूरज की तरफ देखते हैं तो आपको यही नजर आती है। लेकिन सावधान, ऐसा न करें। हमारे स्टार को देखने के लिए आपको खास इक्विपमेंट की जरूरत है। फोटोस्फेयर लगभग 400 किलोमीटर तक मोटा है। यह पृथ्वी से लगभग उतनी ऊंचाई है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इसके बाद है क्रोमोस्फेयर या स्फेयर ऑफ कलर। सूरज के एटमॉस्फेयर की यह परत इस स्टार को इसका लाल रंग देती है। सोलर प्रोमिनेंस यही दिखाई देते हैं। यह सूरज की सतह से निकलने वाले मैटर के शक्तिशाली एमिशन हैं। इनकी रफ्तार 700 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकती है। किसी पॉइंट पर यह तारे की मैग्नेटिक फील्ड की चपेट में आ जाते हैं और वापस खींच लिए जाते हैं। और फिर आता है कोरोना, सूरज का एक गैसीय लिफाफा। सबसे शक्तिशाली इजेक्शन यहीं पर होते हैं। ग्रहण के दौरान जब चांद सोलर डिस्क को ढक लेता है, तब आप कोरोना को देख सकते हैं। तब आपको स्टार के इर्द गिर्द एक तरह की चमक नजर आती है। यही है कोरोना। यह सूर्य के इर्द गिर्द लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है और पार्कर सोलर प्रोब ने ठीक इसी इलाके को टच किया था। यहीं पर सोलर मटेरियल और रेडिएशन अब भी स्टार की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं और अंतरिक्ष में छिटक के कहीं चले जाते हैं। इस इलाके के बाद जो भी है वह सोलर विंड है। यह वो मटेरियल और रेडिएशन है जो किसी तरह सूरज की ग्रेविटी से छूटकर अंतरिक्ष में चले जाते हैं। पार्कर सोलर प्रोब ने इस सीमा के बारे में और जानकारी देकर एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान कर दिया था। हमें पता चला कि यह एक पूरी तरह से गोल दीवार नहीं है जैसा कि हम सोचते थे। इसकी सीमा टूटी हुई और ऊंची नीची है। यह एक पर्वत श्रृंखला की तरह नजर आती है। सूरज की सतह से प्लाज्मा के अनइवन फ्लो की वजह से इन उबड़ खाबड़ इलाकों का आकार ऐसा होता है। फ्लो जितना बड़ा और शक्तिशाली होता है, स्टार की सतह से सीमा उतनी ही दूर होती है। लेकिन वैज्ञानिक अभी भी यह नहीं जानते हैं कि इस अंतर की असल वजह क्या है। सूरज के इर्द गिर्द फ्लाई बाय करने के बाद पार्कर सोलर प्रोब ने अपना सफर जारी रखा और फिर से स्टार से दूर जाने लगा। रिसर्चर्स को उम्मीद है कि 2022 में यह स्टार को अप्रोच करने की चार और कोशिशें करेगा। अगस्त 2023 में यह प्रोब वीनस के इर्द गिर्द एक फ्लाई बाय करेगा। इससे यह और रफ्तार हासिल करेगा और सूरज के नजदीक एक रिकॉर्ड दूरी तक पहुंचेगा। अगला वीनस फ्लाई बाय 2024 में होगा और उम्मीद है कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतने नजदीक के उच्च तापमान और रेडिएशन का सामना कर पाएगा। खुशकिस्मती से वैज्ञानिकों ने पहले ही इस बात को ध्यान में रखा है। प्रोब में एक सोलर शील्ड है। यह प्रोब की उस साइड से जुड़ा है जिसका रुख स्टार की तरफ है। यह एक घर की खिड़की के आकार का और लगभग 4.5 इंच मोटा है। यह एक खास मटेरियल से बना है जो 1370 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकता है। यह एक आम किचन ओवन के तापमान से लगभग 6 गुना ज्यादा है। प्रोब की बॉडी एक सफेद मटेरियल से बनी है जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। इस शील्ड की छाया के ठीक बीचों बीच सारे वैज्ञानिक उपकरण रखे गए हैं। अगर सूरज की किरणें करीब से प्रोब की बॉडी के असुरक्षित हिस्से से टकराती हैं, तो सारे उपकरण एक सेकंड के कुछ 10वें हिस्से में काम करना बंद कर देंगे। पार्कर सोलर प्रोब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स इन्वेस्टिगेशन इंस्ट्रूमेंट से लैस है। यह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, रेडियो वेव्स, तापमान और प्लाज्मा डेंसिटी को मापने का एक सिस्टम है। पार्कर सोलर प्रोब का वाइड फील्ड इमेजर फॉर सोलर प्रोब या विस्पर एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जिसने सूरज के कोरोना में मूव कर रहे प्लाज्मा की हैरतअंगेज तस्वीरें ली हैं। ये स्ट्रीमर वही हैं जो आप सूर्य ग्रहण के दौरान देखते हैं। सोलर विंड इलेक्ट्रॉन्स, अल्फाज एंड प्रोटॉन्स इन्वेस्टिगेशन प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और हीलियम आयंस को नापता है। यह सोलर विंड्स को स्टडी करने में वैज्ञानिकों की मदद करता है। यह अक्सर हमारे तकनीकी उपकरणों को नुकसान पहुंचाती हैं।
सूरज की सतह पर अप्रत्याशित फ्लेयर्स के कारण तीव्र सोलर विंड्स पैदा होती हैं। वे पृथ्वी के ऑर्बिट करने वाले सैटेलाइट्स की चिप्स को जला सकती हैं। यह देखते हुए कि हमारे पास ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहां हर समय लोग काम कर रहे होते हैं, हमें सोलर विंड्स के बारे में और उनसे खुद को बचाने के बारे में जानकारी की जरूरत है। वैसे तो पाक का सोलर प्रोब अपनी रिसर्च अभी जारी रखेगा, लेकिन इसने अभी से ही कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना लिए हैं। यह सूरज के सबसे नजदीक पहुंचने वाली मानव निर्मित चीज है। इसने स्पीड का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। सूरज की ओर अपने आखिरी अप्रोच के दौरान यह प्रोब 162 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार तक पहुंच गया था, जिसका मतलब यह न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस की दूरी मात्र 24 सेकंड में तय कर सकता है और इसे पूरी पृथ्वी के इर्द गिर्द का चक्कर लगाने में लगभग 4 मिनट लगेंगे। ऐसे स्पेसक्राफ्ट में चांद तक का सफर तय करने में सिर्फ 40 मिनट का समय लगता है। 2025 में पाक का सोलर प्रोब लगभग 6,90,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचते हुए सूरज के सबसे नजदीक अप्रोच करेगा, लेकिन यह रफ्तार भी रोशनी की रफ्तार का 0.064% ही है।